हेलो एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स का ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉग और एंटीलॉग के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर लॉग और एंटीलॉग का होना कंपलसरी होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको लॉग एंटीलॉग आना जरूरी है। तो चलिए आज हम यहाँ पर सीखेंगे लॉग के क्वेश्चंस को और एंटीलॉग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ यहाँ पर फॉर्मूले हमारे पास लॉग के फॉर्मूले, उनको सीखना है। फिर हमको कुछ लॉग के और एंटीलॉग के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि आखिर उनको सॉल्व हम कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। एक एक दो दो एग्जाम्पल में हम सब कुछ सीख जाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है इसको सीखना। पहला वाला देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है। लॉग हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं हम नेचुरल लॉग, जिसको ln से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है कॉमन लॉग, जिसका बेस 10 होता है, लॉग बेस 10। तो ये जो नेचुरल लॉग है उसका बेस क्या होता है, e होता है। और नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में बदलने के लिए हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लॉग a की पावर b दिया हुआ है। यदि लॉग a की पावर b दिया हुआ है तो b आगे आ जाएगा और लॉग a की वैल्यू हमको निकालना होती है। इस लॉग a की वैल्यू हम निकालेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तीसरा, लॉग a इंटू b भी हो सकता है। अब लॉग a इंटू b यदि दिया हुआ है तो लॉग अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और प्लस हो जाएगा। यहां पर सॉरी प्लस है, इसको प्लस कर लेना, प्लस हो जाएगा। मीन्स लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा यदि मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो। सिमिलरली लॉग ए डिवाइडेड बाय बी दिया हो तो उसका क्या होगा, जैसे यहां पर मल्टीप्लाइड का प्लस हुआ ऐसे ही यहां पर माइनस हो जाएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, कब, जब डिवाइड में दिया होगा, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। फिफ्थ फॉर्मूला है लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं 1। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये लिख क्यों रहा है इसको आगे देखते हैं। लॉग e की वैल्यू क्या होती है, लॉग मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग e की वैल्यू भी 1 होती है। अब मैं यहां पर क्या समझाना चाहता हूं उसको समझो, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। ये लॉग 10 है, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, 1 बताई। लॉग बेस 10, 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली ये नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग e और e हम कह रहे हैं। नेचुरल लॉग को हम लॉग ई लिख सकते हैं। देखो अभी मैं कहकर क्या है, नेचुरल लॉग को लॉग ई लिखते हैं। नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई, ई की वैल्यू 1 ही होगी। मतलब लॉग की बेस में जो भी होगा उसी वैल्यू का यदि हम लॉग निकालेंगे तो 1 आएगा। फॉर एग्जांपल लॉग बेस 7 यदि मैं लिख दूं और 7 की निकालू यदि वैल्यू तो क्या आएगी, 1 आएगी। ये क्रॉस हो जाएगा, क्लियर है यहां पर। ये मैंने यहां पर आपको बता दिया। लॉग का सेवंथ एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा, 1/log। 1/log को हम क्या कहेंगे, एंटी लॉग कहेंगे। यदि 1/log हमारे पास कहीं पर आ रहा है, लॉग के साथ कुछ भी वैल्यू आ रही है तो उसका हम क्या निकालेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग कैसे निकालेंगे वो हम यहां पर सीखेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। चलिए कुछ वैल्यूज अब याद करना होती है हमको। जैसे लॉग 10 की वैल्यू हमने 1 याद कर ली, ऐसे लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। सिर्फ ये 4 याद करने के लिए मैं कह रहा हूं, 4 में हमारा पूरा लॉग का टेबल हो जाएगा और सारी लॉग वैल्यूज हम कर लेंगे। लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.4771। लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.6990। लॉग 7 की वैल्यू क्या होती है, 0.8450। ये 4 वैल्यूज हमने, लॉग 4 लॉग्स की वैल्यूज हमने याद कर ली है, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 और लॉग 7। अब इन्हीं के बेस पर हम बाकी सारे लॉग भी निकाल लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैं यदि कहूं कि लॉग 6 की वैल्यू यदि मुझे निकालना है, लॉग 6 की वैल्यू क्या आएगी, तो इन 4 की हेल्प से मैं निकाल लूंगा। कैसे, लॉग 6 को मैं लॉग 3 × 2 लिख सकता हूं कि नहीं, 3 × 2 = 6 ही तो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आगे मैं समझाने वाला हूं, आपको ध्यान से देखना है इसको। लॉग 6 की वैल्यू को मैं ऐसा लॉग 3 × 2 लिख सकता हूं। अब ये मेरा वही फार्मूला बन गया, लॉग a इंटू बी वाला फार्मूला बन गया। तो लॉग 3 प्लस लॉग 2 मैं इसको लिखूंगा। लॉग 3 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 0.4771 प्लस लॉग 2 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 0.3010 होती है। क्या आएगा इसका आंसर, कर देते हैं यहां पर, 101 हो जाएगा, 718 हो जाएगा, 707 हो जाएगा, 437 हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 0.7781, किसका, लॉग 6 के लिए। ऐसे ही मान लीजिए कि अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बात को समझना, मैं यदि आपको कहूं कि लॉग 5 को भी क्या मैं ऐसे लिख सकता था, कैसे, ये देखो लॉग
5 को क्या मैं log 3 प्लस log 5 2 नहीं लिख सकता था? नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि जो लॉग होता है ये क्वांटम में, मैं आपको बता करके आया था जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मैंने बात की थी वहां पर, कि लॉग एक लीनियर ऑपरेटर नहीं है, ये नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है, तो इस टाइप से ये फंक्शन नहीं कर सकता है। हम लॉग 5 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हम लॉग 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, मीन्स लॉग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, लॉग 8 की वैल्यू यदि मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? लॉग, अब क्योंकि यहां पर हमारे पास इन 4 के सिवाय तो कुछ है नहीं, तो हमको सबके निकालते आना ही चाहिए। लॉग 8 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हमारे पास फिर से फार्मूला बन गया, कौन सा? लॉग ए की पावर बी वाला। ये इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, लॉग ए की पावर बी, ये 2 की पावर 3 है हमारे पास, तो 3 आगे आ जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, लॉग 2। 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू ये रही, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास लॉग 8 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हुई कुछ इजी सी बातें, अब हमको वो एग्जाम में कितना कितना देता है वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में वो हमको ऐसे देता है, देखो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर, कि उसने हमको दिया 4.2 × 10⁻¹⁵। इसका लॉग निकाल करके बताना है, या हमारे पास ऐसा आता है लॉग 4.2 × 10⁻¹⁵, और इसका आंसर हमको देखना होता है। इसका आंसर यदि हम निकाल पाए तो हमारे ए बी सी डी ऑप्शन में से ही तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमको ये नहीं पता चल रहा है कैसे सॉल्व करते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये वही का वही फार्मूला है हमारे पास जो अभी आया था, लॉग ए इंटू बी वाला, सेम टू सेम है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लॉग 4.2 प्लस लॉग 10⁻¹⁵। ये 4.2 को तो चलो बाद में देखूंगा, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ए की पावर बी दिया हुआ है, बी आगे आ जाएगा, मीन्स लॉग 4.2 प्लस 15 आगे आ जाएगा, 15 लॉग 10। अब ये लॉग 10 इज इक्वल टू तो क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, ये हमको पता ही है। लॉग 4.2 प्लस 15, बस इसी को हमको निकालना है। अब बचा कितना, सिर्फ ये 4.2 सॉल्व यदि करते आ गए हमको तो हमारी वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी लॉग की। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो 4.2 को हमको सॉल्व करना है, 4 पॉइंट, बहुत ध्यान से समझा, बहुत आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान समझो सिर्फ। 4.2 क्या 4 और 5 के बीच में आता है? कैसे? ये 4.1, 4.2, 4.3, ऐसे डैश डैश 4.9 और आखिरी में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसी 4 और 5 के बीच में ही है, मैं ये मान लूं यहां पर कि 4.2 4 और 5 के बीच में है, तो log 4 की वैल्यू क्या होती है और log 5 की वैल्यू क्या होती है हमको ये पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है हमको। log 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6020 होती है। log 4 की वैल्यू मैंने निकाल ली, log 4 की वैल्यू हमारे पास है तो नहीं, लेकिन मैंने निकाल ली। log 2 की वैल्यू मुझे पता है, तो 2 × 2 ही तो 4 होता है, तो log 4 की वैल्यू आ गई। log 5 की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि अभी मैं लिख करके आया था, होती क्या है, 0.6990, ये होती है किसकी, log 5 की वैल्यू। अब देखना, बहुत ध्यान से समझना, log 5 और log 4 की वैल्यू का डिफरेंस कितना है मैं यहां पर निकालना चाहता हूं, 0.66699 और 0.6020, ये हो गया हमारा सम। अब सॉल्व क्या आएगा इसका, 0927 9 के 9 और 660, ये आ जाएगा हमारे पास किसके लिए, log 5 और log 4 के बीच का डिफरेंस आ गया। log 5 और log 4 के वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है, इतना क्लियर है आपको? ये कैसे मैंने निकाला, मुझे 4.2 दिया हुआ है इसलिए मैं 4 और 5 के बीच में वैल्यू निकालना चाहता हूं। अब देखो ये क्या है, 5 और 4 के बीच का डिफरेंस, 5 और 4 के बीच में 0.1 0.2 0.3 0.4 टोटल 10 फ्रैक्शंस होंगे। कितने फ्रैक्शंस होंगे टोटल, 10 फ्रैक्शंस, तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा। किसने कितने से डिवाइड कर दूंगा, मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा। जब 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.0097। क्या आ जाएगा, 0.0097। क्यों? क्योंकि ये टोटल 10 फ्रैक्शंस की वैल्यू थी। कितने फ्रैक्शंस की वैल्यू थी, 10 फ्रैक्शंस की।
10 फ्रैक्शंस में से मुझे कितने फ्रैक्शंस चाहिए वो मुझे यहां पर निकालना है। देखो बहुत आसान हो गया। अब मुझे निकालना है 4.2, क्या log 4.2, log 4 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है, 0.6020 है, ये log 4 की वैल्यू हो गई। अब 0.2 ही तो बचा हमारे पास, 0.1 की वैल्यू इतनी होती है, 0.0097, ये हम 10 से डिवाइड करके ले आए, 0.1 की वैल्यू इतनी होती है, तो 0.2 की वैल्यू कितनी होती है, बस इतना निकाल लो। इसको हम सिर्फ सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, 0.2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 7 2 14, 1 कैरी आया मेरे पास 18, 19 के 9, 10.0, ये आ जाएगा हमारे पास 0.0194.2 की वैल्यू। बस इसमें हमको ऐड कर देना है 0.01944921112 और 6, 0.6214 इज द वैल्यू ऑफ log 4.2। ये बात यहां से समझना जरूरी है, आसानी से मैंने ये आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। यदि जल्दी हो रहा है तो दो बार देखना इसको, आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। रफ कॉपी लेकर के बैठना, एक बार आप भी करके देखना मैंने क्या किया। मुझे 4.2 दिया हुआ है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, 4.2 दिया हुआ है। जो भी आपको पॉइंट में दिया हो, डेसिमल में दिया हो, वो और उससे पहले और उसके बाद कौन सा लॉग आएगा उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। लॉग 4.2 के पहले 4 आएगा और 4.2 के बाद लॉग 5 आएगा, तो log 4 और log 5 के वैल्यूज मैंने निकाल ली, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, उसको 10 से हमने क्या कर दिया डिवाइड, तो हमारे पास 0.1 की वैल्यू आ गई, और 0.1 की वैल्यू आ गई तो आपको कितने पॉइंट आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। log 4.2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, log 4.2 की जो भी वैल्यू है उसमें हम क्या कर देंगे 15 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास log जो भी आपको मिला था क्या 4.2 into 10 to the power 15 की टोटल वैल्यू आ गई आपका 15.6214, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, इस टाइप से हमको लॉग सॉल्व करना होता है। एग्जांपल आप खुद से ट्राई करना, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर आपको लिख करके दे देता हूं, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको दिया, आपको सॉल्व करना है लॉग 8.2 इंटू 10 टू द पावर 23, आपको सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। दूसरा और एक एग्जांपल लिख देता हूं, लॉग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको सॉल्व करके बता देना कि इसकी दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है। दोनों की वैल्यूज जो भी आए कमेंट बॉक्स में मुझे आप जवाब दें, मैं यदि आपको वहां पर दिखूं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप सही है या नहीं। अब देखो आप खास चीज पर आते हैं, हम एंटीलॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एंटीलॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास एंटीलॉग 7.8, ये हमको मिला हुआ है एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल भी मैं यहां पर लिख रहा हूं एंटीलॉग 11.3, लेकिन माइनस में हमको मिला हुआ है। ये दोनों अलग अलग इसीलिए बताना पड़ रहा है कि यदि पॉजिटिव आए तो क्या करेंगे, नेगेटिव आए तो हम क्या करेंगे। चलो देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, देखो एंटीलॉग सॉल्व करने के लिए इस एग्जांपल को सॉल्व में करता हूँ क्या करते हैं वो प्रोसीजर है, एक उस प्रोसीजर को आप नोट डाउन कर लेना, आपके पास जो भी आप रफ कॉपी में काम कर रहे हैं, फेयर कॉपी में एक नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट डाउन कर लेना कि सबसे पहले ये जो डेसिमल है इसकी जो पहले वाली वैल्यू दी हुई है इसको 10 की पावर में लिख देंगे। सबसे पहला काम ये, जो भी हमको वैल्यू दी हुई है उसमें जो भी डेसिमल है उस डेसिमल के पहले जो वैल्यू है उसको 10 की पावर में लिख दिया मैंने, कर दिया मैंने इसको 10 to the power 7। बाकी मेरे पास क्या बचा, 0.8 बचा। अब मुझे ये देखना है कि ये 0.8 किसकी लॉग की वैल्यू है, किसके लॉग की वैल्यू है। अभी देखो लॉग 7 की वैल्यू हम लिख करके आए थे 0.8450, ऐसा कुछ हम लिख करके आए थे, तो ये 0.8 हमको सिर्फ चाहिए। लॉग की वैल्यू देखते हैं, ध्यान से समझे इसको, पॉइंट के बाद जो है वो किसके लॉग की वैल्यू में आता है उसको हम देखते हैं। वो आता है जिस भी लॉग की वैल्यू में, उस
उसका जो भी डिजिट है हमारे पास, वो डिजिट यहाँ इस मल्टीप्लाई के आगे लिखना होता है उसको। ये हो गया हमारा एंटीलॉग 7.8 का सॉल्यूशन। क्लियर है? इस टाइप से हम सॉल्व करते। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके मुझे बताना। मैं लिख रहा हूँ एंटीलॉग 13.7, इसकी आपको निकालना है वैल्यू। एंटीलॉग 13.7, चलो इसको करके बता देता हूं, आप एग्जांपल कुछ मन से करना है आपके पास। मुझे क्या करना है, डेसिमल के पहले जो भी वैल्यू दी हुई है उसको तो मैं 10 की पावर में लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिया 10 की पावर में। डेसिमल के बाद जो दिया हुआ है 0.7, ये किसके लॉग में आता है वो हमको देखना होता है। देखो लॉग 5 की वैल्यू में क्या आता है, 0.6990, लगभग 7 ही है, 0.7 के इक्वल ही है लगभग ये। तो ये जो डिजिट है मुझे यहाँ पर लिख देना है, ये लिख दिया। ऐसा हमको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में हम केमिस्ट्री वाले हैं, हम कोई मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं, हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, तो वो भी हमसे अप्रॉक्स ही जाना चाहता है। तो यही मेथड है जिससे हम अप्रॉक्स आंसर पर पहुंच जाते हैं। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा लेकिन अप्रॉक्स आंसर आएगा, वो हमसे केमिस्ट्री की फील्ड में अप्रॉक्स आंसर ही चाहता है। वो हमसे ऐसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछता कि इसका पूरा आप आंसर निकाल करके बताओ डेसिमल में क्या आएगा और ये तो गलत आ रहा है, ऐसा नहीं है, कैलकुलेटर नहीं चलता है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास थोड़ी सी मेथड अलग है, क्या है वो देखो। देखो 11.3 दिया हुआ है माइनस में, हमको क्या दिया हुआ है 11.3 माइनस में दिया हुआ है। जो भी वैल्यू दी हुई है आपको उसको पहले राउंड ऑफ करना है। यदि 0.5 है तो राउंड ऑफ नहीं करना है, यदि 0.5 से कम है तो जो भी कम वाली वैल्यू आएगी, मीन्स ये माइनस 11.3 है तो मैं इसको 11 करूंगा। क्या करूंगा, जो भी 0.5 से यदि कम है तो उसको पहले वाली वैल्यू में राउंड ऑफ कर देंगे, यदि 0.5 से ज्यादा है उसको तो बाद वाली वैल्यू में राउंड ऑफ कर देंगे हम। माइनस 11.3 यदि हमको दिया हुआ है तो मैं इसको कर दूंगा माइनस 11, ठीक है माइनस 11। और इस 0.3 को मैं यहां पर प्लस कर देता हूं या 0.3 लिख दूं, इसको ऐसा लिख दूं मैं। हमारे पास बन गया आप एंटी लॉग ये माइनस 11 प्लस 0.3। अब फिर से वही करना है हमको, क्या ये जो 11 हमको मिला हुआ है इसको तो हम कर देंगे 10 की पावर में। क्लियर है, 10 की पावर में मैंने इसको कर दिया। और ये जो पॉइंट में हमारे पास वैल्यू है ये किसके लॉग की वैल्यू है, बस उतना ही हमको लिखना है। अब ये 0.3 लॉग 2 की वैल्यू में आता है हमारे पास, लॉग 2 की वैल्यू में 3010 आता है। तो ये हो गया हमारा एंटी लॉग माइनस 11.3 का आंसर, 2 × 10⁻¹¹। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये दिया हुआ है कि मान लीजिए 13.7 दिया हुआ है माइनस एंटी लॉग लगा करके, एंटी लॉग 13.7 माइनस में। तो अब क्या करना है, अब ये 0.5 से ज्यादा वाली है तो मैं इसको क्या कर दूंगा माइनस 14 कर दूंगा। अब इसको ये माइनस 14 को माइनस 13.7 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें मुझे प्लस कर देना है क्या 0.30 से प्लस कर देंगे। देखो यहां पर मेरे को माइनस करना था, माइनस 11 माइनस 0.3 करना था, यहां पर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे राउंड ऑफ करना है इसको। देखो आप माइनस 14 को तो मैं 10⁻¹¹ लिख दूंगा यहां पर, और बाकी ये जो 0.30 फिर से लॉग 2 की वैल्यू है तो ये मेरा लॉग एंटी लॉग माइनस 13.7 का वैल्यू आ गया 2 × 10⁻¹⁴। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये लॉग को सॉल्व करना कैसे, एंटी लॉग को सॉल्व करना कैसे, लॉग की प्लस वाली वैल्यू को माइनस वाली वैल्यू को, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है। घर पर प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी है रफ कॉपी है तो रफ कॉपी में कुछ एग्जाम्पल मन से बना लीजिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।